आपका स्वागत दोस्तों। आज इस क्लास में आज हम आपको मेमोरेंडम बुक के बारे में बताएंगे, यानी कि मेमोरेंडम बुक क्या होती है दोस्तों, यानी कि स्मरण पुस्तिका क्या होती है, इसके बारे में बताएं। इससे पहले दोस्तों आपको एक बार बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल डी ब्लॉग्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ फिर नीचे के रेड के बटन में क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बगल में बेल का बटन होगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख पाएँ दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेमोरेंडम बुक क्या होती है। इसमें दोस्तों स्थायी रूप से उन व्यवहारों को लिखा जाता है जिन्हें रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि संबंधित मद की प्राप्त राशि प्राप्त हो जाती है या उनका भुगतान हो कर दिया जाता है, उस लेखों को स्मरण पुस्तिका में काट दिया जाता है। इस पुस्तिका को याददाश्त बही भी कहते हैं दोस्तों, यह स्मरण पुस्तिका कहलाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में स्मरण पुस्तिका स्थायी रूप से उन व्यवहारों को लिखा जाता है जिन्हें रोकड़ पुस्तिका में नहीं लिखा, यानी कैश बुक में जो नहीं लिखा जाता उसे मेमोरेंडम बुक में लिखा जाता है, और लिखा जाता है यानी कि लिखने के बाद जब इससे संबंधित राशि प्राप्त हो जाती है या उसका भुगतान हो जाता है तो उस लेखक को इस पुस्तिका से काट दिया जाता है, तो इससे आसानी रहती कि इसका भुगतान हो चुका, तो यही मेमोरेंडम बुक कहलाती है। वीडियो या आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे रेड के बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन में क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख पाएँ दोस्तों।